अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये ना कैट का खाना है, ये इस तरीके से आता है। ये है 3 किलो, ये देख सकते हैं आप, और इस तरीके से भर के रखा जाता है। तो ये हमने दुकान वाले से बरनी लेके इस तरीके से इसको भर के रखा है। अगर हम इस तरीके से इसको भर के नहीं रखेंगे ना तो ये खराब हो जाएगा। ये एक खाना आता है, तो देखिए ये एक खाना है, ये भी लाया जाता है। तो ये ना बीमार कैट का होता है, तो इसके अंदर है ना ये ऐसे पाउच होते हैं। ये देखिए, ये जिस बिल्ली को गैस है, कीड़े उसके पेट में होते हैं, उसको ये खाना दिया जाता है। और ये खाना बहुत ही कॉस्टली आता है। तो जिनकी कैट बीमार है, जिनको गैस का प्रॉब्लम है, उन लोगों वो लोग अपनी कैट को ये खाना जरूर खिलाए। देखिए स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ। तो ये खाना जिनकी कीड़े है पेट में और गैस का प्रॉब्लम है, उनको खिलाए। ये बीमार कैट का खाना है, जो खाते हैं बीमार कैट, जिनको खून का, किडनी का और भी प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे कैट को हुआ था थोड़ा समझिए खून का प्रॉब्लम, तो उनको एक डॉक्टर ने ये खिलाने के लिए बोला था, ऐना का जो प्रॉब्लम था। तो मैंने पहले ऐना का वीडियो डाला था, उसमें ये दिखाया था कि उसका ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने हमको ये खाना सजेस्ट किया था कि उनको ये खाना दिया जाए, मगर शौक से हमारी ऐना ये भी खाती है। अभी बीमार थी तो हमने 1 साल उसको यही खाना खिलाया, पूरा 1 साल। उसके बाद में अभी ये शौक से वो खाना खाती है, तो हम ये भी खरीद के लाते हैं, ये भी खिलाते हैं उसको। और नॉर्मल कैट के लिए ये खाना खिलाते, तो नॉर्मल कैट के लिए आप ये खाना उनको खिला सकते। तो वैसे तो शौक से जो उनकी पसंद होती है वही वो लोग खाते हैं, तो आप जो आदत लगाएंगे वो खाएंगे, तो रीज़न ये होता है। तो ये नॉर्मल कैट का है, ये भी नॉर्मल ही कैट का है, मगर फिर भी वो लोग शौक से खाना चाहते हैं तो आप खिला सकते। ये ग्रेवी होती है एक तरह की। और ये बीमार कैट का तो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया था इसके लिए खिलाया, उनको थोड़ा कैंसर का जैसा प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी वो ठीक है, उनकी दवाई वगैरह 1 साल तक हमने दी, अब उनका कोर्स पूरा हो गया। अब वो ये खाना खाती है, ब्लैक वाला और ये वाला खाती है ग्रेवी, ये 2 खाने वो खाती है। और जो हमारी हुरेरा है वो ये खाना खाती है, तो क्योंकि उसको गैस का प्रॉब्लम हमेशा है और उसके पेट में कीड़े होते हैं, तो उसको ये खाना ही दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ अच्छी रहे। तो ये जैसा इंसानी बॉडी होती है वैसे ही जानवर की बॉडी होती है, तो उनको संभाला जाए और बहुत प्यार से रखा जाए तरीके से। ये तीनों ऐसी है ना, ऐसी घूमते रहती है इस तरीके से। अब ये नए है बेबीज, और देखिए अब ये चलने फिरने लग गए है। इनकी भी मैंने वीडियो डाली हूँ जो बेबी हुए थे, अब ये चलने फिरने लग गए और इस तरीके से मस्ती करते। देखिए 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 किस तरीके से मारते। तो अभी इनको खाना नहीं दिया जाता है, इनकी मम्मी को बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता है कि उसको अच्छा दूध आए तो ये बच्चे हेल्दी हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह, जरूर बोलना, ये बच्चे बहुत हेल्दी है। देखिए ये देखिए किस तरीके से मस्ती करते है, ये इसी तरीके से दिन भर खाते मस्ती करते और फिर सो जाते। देखिए ये तीसरा है एक्चुअली, ये ना जो ये फर्स्ट बेबी है, व्हाइट वाला सेकंड है और ब्लैक वाला थर्ड बेबी है। ऐसे ही करते रहते हैं लोग, मस्ती करते रहते दिन भर।